अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और यह है Xiaomi Redmi Note 5 Pro जिसमें मैं MIUI 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रिव्यू दे दिया है कि MIUI 10 कैसा है, तो अगर आपको जानना है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आपको जानना है कि कैसे इसे फ्लैश करना है तो उसकी भी लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर यह MIUI 10 में बैटरी लाइफ कैसी है, कैसा बैटरी चल रहा है, रैम मैनेजमेंट कैसा है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और उसी हिसाब से दोस्तों हीटिंग होती है या नहीं होती है। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूँ कि मेरा जो बैटरी है वो अभी पूरा का पूरा 100% पे है। तो मैंने सोचा कि इसे पूरा 100% पे चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि आखिर यह जो बैटरी है कैसा दे रहा है। तो मैंने इसे 2 घंटा पहले ही 100% पे कर लिया था और अभी तक दोस्तों इसका स्क्रीन ऑन टाइम 4 मिनट रह चुका है, अभी भी दोस्तों 1% भी कम नहीं हुई है। चार्जिंग टाइम मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि लगभग 2.5 घंटे में ये मेरी फुल चार्ज हो गई थी और यह रन कर रहा है देख सकते हैं MIUI 10 पे। और अगर आप इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो ये 6GB रैम वाला वेरियंट है। तो सबसे पहले तो मैं ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ कर दूंगा और उसके बाद ब्राइटनेस को मैनुअली सबसे हाईएस्ट पे बढ़ा दूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि हाईएस्ट ब्राइटनेस पे ये कितनी बैटरी दे रही है। उसी तरह से जो वाईफाई है वो हमेशा बैकग्राउंड में ऑन रहेगा, ये दो चीज़ें ऑन रहेंगी। और उसके बाद हम लोग करेंगे वीडियो टेस्ट, वीडियो को लूप में चलाएंगे और उसके बाद हम लोग कुछ गेम्स को भी खेलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हीटिंग कितना होता है, परफॉर्मेंस कैसा है और मेमोरी रैम में कितनी सारी एप्लीकेशन है। उससे पहले बता दूँ कि आप अभी का बैटरी टेम्परेचर देख सकते हैं वो है 34 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद जो AnTuTu स्कोर आया है वो है 116,197, तो ये पुराने AnTuTu स्कोर को पार कर गया है। अब देर किस बात की, टाइमर को करते हैं ऑन और शुरू करते हैं टेस्ट। तो सबसे पहले अभी मेरी बैटरी है 98%, क्योंकि सेटअप करते करते 2% कम हो चुका है। और अब मैं इस वीडियो को MX प्लेयर में लूप में सेट कर चुका हूं और उसके बाद इसे बस मैं टेबल पर रख करके चला जाऊँगा इस वीडियो को ऐसे ही छोड़ करके, और आ करके वापस देखूँगा कि आखिर कितनी परसेंटेज बैटरी कम हुई है। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो वीडियो टेस्ट है वो पूरी हो चुकी है, मैं वापस आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बैटरी जो है वो 93% हो गई है, यानी कि लगभग जो है 6% बैटरी कम हुआ है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ टाइमर तो लगभग 35 मिनट जो है मैंने वीडियो को लगातार चलाया है, 35 मिनट का वीडियो और 6% बैटरी ड्रॉप हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटरी टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कम है दोस्तों, 37 डिग्रीज 38 डिग्रीज़ के आसपास है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, वीडियो टेस्ट में तो ये सफल रहा। तो अब जल्दी से हम लोग स्टॉप वॉच को रीसेट करके दोबारा से इसे शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट और मेरे पास 4 गेम्स है, सब्वे सर्फर, एसफाल्ट 9 लेजेंड्स, पबजी और असासिन क्रीड पायरेट्स। सब्वे सर्फर तो मैं वैसे 2 या 3 मिनट के लिए ही खेलूंगा, लेकिन दोस्तों मैं असासिन क्रीड पायरेट्स, पबजी और यह जो गेम है एसफाल्ट 9 लेजेंड्स जो कि बिल्कुल ही नया गेम है, उन्हें मैं बहुत ही देर तक खेलूंगा और टेस्ट करके बताऊँगा कि कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी बैटरी है और कैसा हीटिंग है। दोस्तों एसफाल्ट 9 बहुत ही अच्छा गेम है, बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है और मैं हाई ग्राफिक्स पे चलाया हूँ, फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे किसी भी किस्म का लैग देखने को नहीं मिला है, किसी भी किसी का दोस्तों परफॉर्मेंस स्लो डाउन देखने को नहीं मिला है और ना ही किसी भी किस्म का मुझे हीट देखने को मिला है। दोस्तों पबजी का गेम बहुत ही अच्छे से चल रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हीटिंग नहीं दिख रहा है दोस्तों मुझे और ना ही किसी किस्म का लैग दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी यह है कि मैं यह गेम जीत भी गया। और एट लास्ट असासिन क्रीड पायरेट्स, भाई इसकी भी बात माननी पड़ेगी, क्या ग्राफिक्स है इस गेम का, और फिर भी यह जो गेम है बिल्कुल स्मूथली चल रहा था मेरे Redmi Note 5 Pro में MIUI 10 के चाइना रोम पे। तो भाई ये सभी गेम में परफॉर्मेंस में तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर बैटरी कितनी बची है और टेम्परेचर कैसा है।
अब किसी भी गेम को मैंने क्लोज नहीं किया था, लेकिन दोस्तों अब मैं किसी भी गेम को ओपन करता हूँ तो वो दोबारा से लोड होता है। इसका मतलब कि रैम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। हालांकि पबजी जो है वो मेरे रैम में था पता नहीं कैसे, लेकिन दोस्तों और कोई भी गेम, जितने भी गेम्स थे पबजी को छोड़ करके, सभी दोस्तों दोबारा से लोड हो गए हैं। यहाँ पर कहूँगा कि रैम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है MIUI 10 का। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर कितना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, 41 डिग्री सेल्सियस है। तो भाई 34 से 41 यानी कि 7 डिग्री बढ़ी है, और उसमें भी कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो टेम्परेचर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है, और मैंने लगभग 52 मिनट यानी दोस्तों लगभग 50 मिनट मैंने लगातार गेमिंग किया है इस मोबाइल पर, आप देख सकते हैं। तो 50 मिनट खेलने के बाद 41 डिग्री सेल्सियस, और वो भी दोस्तों इतने हैवी गेम्स, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप बैटरी बैकअप देखेंगे तो अभी स्क्रीन ऑन टाइम है टोटली 1 घंटा 50 मिनट, और जो बैटरी है वो 74% बची हुई है। अब दोस्तों ये जो 1 घंटा 50 मिनट है ये हमारा वीडियो प्लेबैक को मिला करके इतना ज़्यादा देर जो है स्क्रीन ऑन टाइम है। तो अगर हम लोग उसे हटा दें तो 93% से 73% पे आ गई दोस्तों 50 मिनट के गेमिंग में, यानी कि 20% कम हो गई दोस्तों 50 मिनट के गेमिंग में। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि लगभग दोस्तों आप 4 घंटे जो है गेमिंग कर पाएंगे इस MIUI 10 के रोम पे। तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बैटरी खा रहा है जब हम लोग गेम खेल रहे हैं MIUI 10 पे। तो एट लास्ट यही कहूँगा कि बैटरी बैकअप एवरेज है, रैम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, और हीटिंग बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख, और आपको मुझे देना था यह गेमिंग रिव्यू MIUI 10 का। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।